गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। मैं सर ब्लॉग बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। खुश तो अभी मैं बस अपने होटल जहाँ ये टूरिस्ट गेस्ट हाउस था ना कल बताया था, तो उधर से निकल रहा हूँ। आज निकल रहा हूँ मैं श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग के लिए। तो सर मिल गए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख। शेख, अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू। तो सर ने बस इनवाइट कर लिया ऐसे अपने घर चाय वाय पीने के लिए थोड़ा। तो मैं कहा चलिए सर देख लेते हैं, चलो कश्मीरियत भी देखते हैं। सर मैं सर बिलोंग कर रहा था आर्मी में। सर ओके ओके सर आप ओके सर रिटायर हो गई। अभी रिटायर हो गए 4-5 महीने हुए जी। सर सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर इसको आप क्या कहते हैं जो मैंने पूरे कश्मीर में देखा? ये हाँ नदी जैसा ये चश्मे की जो है ना, अच्छा गार्डन से चश्मा निकलता है पूरा ग्लेशियर निकलता है पानी। ये तो ये इधर आ जाता है जमीन में खेतों के लिए। अच्छा इसको खेतों में यूज करते हैं? खेतों में यूज करे जो धान वान निकलता है ना उसके लिए यूज करते हैं। और जो ये वाटर सप्लाई थी उधर से पाइप निकलती है, उधर से ले गया वाटर पाइप। हट है ना वो वाला हट, उसके पास एक चश्मा है, उसको निकलता है दूध की तरह सफेद व्हाइट वो एकदम वो पी सकते हैं ऐसे प्योर प्योर। हाँ उधर ही पीते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर पहाड़ है पूरे और उधर से जो सर बता रहे चश्मा चश्मा वही ना पीने का पानी। खाना खाएंगे ना दबा के बोलेंगे अभी यार मेरा पेट ऐसे खुला, एक गिलास पानी पियो 15 मिनट में आपको बोलेंगे मैं भूख लगी खाना खाऊंगा। अच्छा ऐसा नहीं है पानी मिनरल्स पूरे उसमें घुले हुए हैं जबरदस्त। ये देखिए घरों के बगल बगल से नदियों का ऐसा पानी ग्लेशियर से बह बह के आ रहा है, कितना बढ़िया है यार एकदम प्योर वाटर। जी सर एकदम अच्छे। ये मेरा भाई। अच्छा भाई है सर। ठीक है जी। 5 ML सही की 5 ML या 4 ML। हेलो जबरदस्त। आ जाए सर शूज निकाल देते हैं। अरे ठीक है सर। अरे अंदर अरे वाह सर ये गेस्ट रूम है। ऐसे गेस्ट रूम हमारा एसी रूम है। सारे ऐसे ही रहते हैं? हाँ सारे। आप लोग बेड नहीं अलग से लगाते क्या बेड सोने के लिए? हाँ बेड तो इधर है ना मतलब रूम में। दूसरे रूम में अभी ये तैयार बच्चे हो रहे हैं ना। अच्छा अच्छा तो पूरा ऐसे रखते हैं। अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है ये। ये किस चीज की लकड़ी कैसे बना है? अखरोट वाली है। अखरोट की है वो वॉलनट। अखरोट वाली बहुत मजबूत होता होगा। मजबूत होता है और क्या बोलते हैं इसको भारी भी होता है। भारी भी होता है? भारी भी होता है जबरदस्त भारी होता है। कॉस्टली भी बहुत होता होगा ये? कॉस्टली भी बहुत है। इसमें बॉक्स वाले टाइप के हैं। अच्छा सामान भी नीचे बॉक्स टाइप है। टू कट है ये टू कट वाला ये सही है वाला है। अच्छा मैंने अभी तक जहाँ जहाँ भी रुका ना तो वहाँ इस तरह का मैंने नीचे मैटिंग वगैरह देखा हर जगह। ये कश्मीरी कारपेट कश्मीरी कालीन कश्मीरी कारपेट क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन रोहन प्रतीक। मेरा नाम प्रतीक। किस क्लास में आप? नर्सरी। नर्सरी में? अच्छा इसका बड़ा भाई सेकंड में वो चला गया रेड हैंड पे। कहाँ? रेड हैंड स्कूल इधर है। अच्छा अच्छा स्कूल गया अभी। फेमस है फेमस। आने में चापने और चापने आने में ये हाँ, मतलब पुराना है पुराना ये पहले नया बना दिया हम सीमेंट का वाला। अच्छा ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये देखिए और इधर मिट्टी और ईंट का यूज हुआ है। मतलब पुराने टाइम में ऐसे ही बनते थे। आप तो ये माने धान और ये क्या कहते हैं ये धान ही होगा ना अगर गलत हो तो बता देना। और ये लकड़ी स्टोर की गई है ठंडक में काम आएगी। और पूरा ये मतलब स्टोर रूम की तरह स्टोरेज रूम की तरह है। और देखिए इतना अच्छा लग रहा है। ये फल कौन सा है? अखरोट है ये। तबीयत नहीं खराब है सर इसका अभी मैंने इसको दवाई लगाया। अच्छा दवाई लगी है इंजेक्शन। इंजेक्शन लग गया इसको ये रहा अखरोट अगर आपको दिख रहा हो तो पास से दिखाता हूँ। ये पक जाएगा ये देखिए आड़े की नहीं पता नहीं अखरोट। भाई बहुत खूबसूरत है यार कश्मीर
और वेदर इस समय होगा, अभी मई देखो मई ख़त्म होने वाला है, 28 मई हो गया आज, ठीक है। कहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में, मतलब यूपी बिहार ये सब साइड में बहुत गर्मी हो रही है, पूरे इंडिया में गर्मी हो रही है, और यहाँ पर मुझे लगता है 20-22 इस तरह इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 22 होगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। ये है हमारा पुराना मकान, बहुत सुंदर है ये तो। कहाँ तो मूवी में पुराना है, सुंदर कहाँ है सर? इसमें वो अलग बात होता है, मतलब नेचुरल लगता है, नेचुरल लगता है, बर्फ पड़ता है ना जब ज्यादा ठंडी होती है, इसमें ठंडी नहीं लगती, ठंडी लगती उस वाले में लगती होगी आपको, उसमें लगती है बिल्कुल, उसमें तो फिर वो बोला और छोड़ना पड़ता है। ये जो है ना जी, मान के चलो गर्मी में हमको ये ठंड देता है, जैसे एयर कंडीशन होता है ना ऐसा ही, जब सर्दी होगी ना उस टाइम भी गर्मी देता है। किस चीज की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ? ये वो जंगल का जो है ना वो कायर होता है, कायरो कायरो, हाँ मजबूत होता होगा। वो दो होते हैं हमारे जंगल, एक तो देवदार का होता है, देवदार देवदार वो हाउस बोर्ड, हाउस बोर्ड हाँ समझ गए, तो और एक उसके साथ होता है उसको हम कायरो बोलते हैं, कायरो कायरो हाँ जी। और ये वाला ये नया दिख रहा है, किस चीज़ बेसन? अरे वो बेसन तो अभी पता है क्या हुआ, बस मैं इधर भैया के साथ बैठा ही था, तब से उनके फ्रेंड भी आ गए, आज इन लोगों का प्लान है घूमने जाने का डक्सुम, चल रहे बस घूमने साथ में सर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी नहीं सोचा था यार, बस अब निकल चल रहे साथ में। भाई मजे आ गए, एकदम क्लासिक मजे आ गए। फिश होती है इसमें, मछली फिश नहीं होती है, शाम को होती है, शाम को होती है, पकड़े हो फिश इसमें से? कितना क्लियर वाटर है यार ये, वो चले गए। भाई अल्टीमेट सीन है यार। तो अभी हम लोग, मैंने बताया ना डक्सुम जा रहे हैं, लेट्स सी कैसा है। अभी हम लोग सब निकल चुके हैं डक्सुम के लिए, डक्सुम ना सर, डक्सुम डक्सुम। तो कितना टाइम लगता है सर वहाँ पहुँचने में? एक घंटा डेढ़ घंटा, एक डेढ़ घंटा, जैसे ड्राइवर हमारा उस्ताद। तो चलिए आपको रास्ते दिखाते हैं और दिखाते हैं डक्सुम कैसा है। भाई एकदम कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं अचानक से डक्सुम के लिए निकल चलूंगा सर के साथ, एकदम नहीं सोचा था, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। बढ़िया जगह अपना टेंट वेंट लेके आओ, लोग करते होंगे लगता है। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं डक्सुम, और सामने देखिए आप जरा, चले जा रहे ऊपर, पूरा देखेंगे यहाँ, ये इधर इसको बोलते हैं ना ये जो फॉरेस्ट, जानवर भी डाले हैं। अच्छा जानवर भी है, दिखाएंगे आपको कहाँ कैसा कैसा डक्सुम। डक्सुम भाई अल्टीमेट सीन है, अल्टीमेट जगह एकदम, पूरे मजे आ रहे हैं। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया, और नज़ारे देखिए क्या खूबसूरत है यार, अल्टीमेट है। हो भैया वो कहाँ पहुंच गए? आप
भाई जूते में पूरे पानी चला गया। So, अभी हम लोग पहुंच गए हैं डक्सुम का ये पार्क है। इधर देखिए अभी जंगल में होते हुए हम लोग उधर से चले थे, उधर होते हुए पूरा जंगलों से होते हुए हम लोग अभी पहुंच गए ये पार्क है, ठीक है। और यहाँ का माहौल जरा देखिए, आज सैटरडे है तो सब लोग पिकनिक आउटिंग करने चले आए हैं। स्कूल के बच्चे बहुत हैं, यानी यहाँ एक मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी मई जून में ऐसा कल्चर है कि मई जून में स्कूल के एक्सकर्जन के लिए मतलब आउटिंग के लिए पिकनिक के लिए ले चलते हैं। तो जहाँ भी देखिए कोई गार्डन वगैरह होगा ना इस तरह का, वहाँ आपको स्कूली बच्चे बहुत मिलेंगे। अरे बहुत अच्छा माहौल है, एकदम प्यारा सा, वेदर भी बहुत मस्त है, एकदम ठंडा सा, जैकेट की ज़रूरत पड़ गई है अभी।